हरासमेंट, हम लोगों का ये भी अधिकार नहीं है। परेशानी है, ठीक है ताड़ी गल तो सुन ली ना, हुण दी भी सुन ली है। सर असि टाइम टाइम टेबल दो, किन्नी देर च कंप्लीट करेगा वो? ताड़े सामने टाइम आ गया उनु जिला दा। मैनु एक गल दसो, पुरानी एक मिनट सुन यार, पुरानी एक साल की गल करके कोई फायदा है? आज नहीं, नहीं, नहीं। आज जड़ा टाइम बीत गया, तुसे एक साल पहले जागे थे, उन्हें पहले की गल पहले सी। कटरा शिवकोटी नेशनल हाईवे को 12 तरीके मुकाम पर इस समय लोगों द्वारा बंद कर दिया गया है। प्रशासन के खिलाफ जमकर के नारेबाजी की जा रही है और पिछले 3-4 साल से ये लोग जो है वो धूल मिट्टी खा रहे हैं। प्रशासन जो है वो आंखें बंद करके सोया हुआ है। ठेकेदार जो है उसके खिलाफ कोई भी कड़ी कार्रवाई करते PWD के एक्शन साहब नहीं दिखते हैं, जिसकी वजह से आज इन लोगों का गुस्सा जो है वो फूटा है और ये लोग जो है वो सड़क पर जमकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन सर सिंह और साढ़े 10 कदम रोंदे हुए भी साढ़े कोल नहीं आए, क्योंकि साढ़े बोर्ड सब सिंह होरें भी लैते दिन, सारे लैते दिन, लेकिन साढ़े कोई नहीं आया। विकास के दावे करना अलग गल है, लेकिन जनता बिच आना अलग गल हुंदी है, लेकिन जनता बिच नहीं आना। छड़े दावे करने, अपना घर बेही है तो करते रहो। ठेकेदारी पुछना क्या कि साढ़े नुमाइंदे का कम नहीं है? हाँ बात सुननी चाहिए, सुनने का मादा रखो, उसको नोटिसेस दिए गए हैं। अभी ये थोड़ी लंबी कार्रवाई होती है, पेनल्टी लगती है, ब्लैक लिस्टिंग होती है, उसमें थोड़ा समय चाहिए होता है। फिर भी हमने उसको तलब किया है, प्रेशराइज किया गया है, वो आज आ रहा है और उससे टाइमलाइन लिया जाएगा कि हमें ठेकेदार नहीं आ रहा। सर आपका आ रहा है, मैं बता रहा हूँ ना, आपको बता रहा हूँ, आज आ रहा है, आज आ रहा है। लोगों को सर आप लोगों पब्लिक के लिए, मैं बता रहा हूँ ना, आज आज ठेकेदार आ रहा है, उसके बाद सारी बात होगी जी। नेशनल हाईवे 144 के नाम से ये रोड जाना जाता है, लेकिन नेशनल हाईवे की कोई भी करतूत इस रोड में दिखी नहीं आज तक हमें। उसके लिए अगर पैसा आ रहा है तो जा कहाँ रहा है, ये सोचने वाली बात है। जिस वजह से हम एडमिनिस्ट्रेशन पर जो है वो मिलीभगत की जो इल्ज़ाम लग रहे हैं वो इस वजह से लग रहे हैं कि जिस तरीके से काम हो रहा है और वो काम जो है वो दूसरे दिन ही उसका काम जो डिफेक्टिव काम दिख रहा है, पुलियां टूट रही है, रोड जो है वो सारी जो है सड़कें जो है वो खड्डे बन गए हैं, नाले बन गए हैं, एक तरफ से कटिंग इतनी ज़्यादा की गई है जिस काम को करने के लिए आज वो देखा जा रहा है कि वो बुरी हालत है। जब हम एक्सचेंज से बात करते हैं तो एक्सचेंज कहते हैं कि हमने चिट्ठी लिखी है। अरे ऐसे कौन से पत्र लिखे जा रहे हैं जिसमें प्रेम का संदेश दिया जा रहा है उस ठेकेदार को कि आप काम मत करिए, हम आपकी पेमेंट निकालते रहते हैं। तो लोगों की डिमांड जो है ये रोड के रिलेटेड है और वो ठेकेदार जो कह रहे थे कि कॉपरेट नहीं कर रहा, वो एक्सचेंज PWD भी आए थे, उन्होंने भी अभी आश्वासन दिया, मैं भी कह रहा हूँ उसको बुलाया हुआ है, वो 1 बजे आएगा इन्हीं लोगों के सामने, इनके साथ ही बैठकर हम उससे टाइमलाइन लेंगे कि वो कब काम स्टार्ट कर रहा है। नहीं करता है काम तो उसको हम ब्लैक लिस्टिंग के लिए करेंगे। उसके अलावा दूसरा ये कह रहे हैं यहाँ पर आगे सिंगल व्हीकल छोटी व्हीकल के लिए ये रोड खोला जाए, वो अभी हम इन्हीं के साथ उस स्पॉट पे जाएंगे, अगर वो लगता है कि वो सेफ है इन लोगों के लिए, क्योंकि रोड इन लोगों ने ही चलना है, सेफ होगा हम उसको खोल देंगे आज ही, अगर अनसेफ होगा तो उसके लिए भी जो प्रोसीजरल जो भी होगा वो करेंगे। तो बिल्कुल लोगों की जायज़ है, हर किसी ने, हर मरीज ने, हर स्टूडेंट ने इस रोड से चलना है, हर टूरिस्ट ने इस रोड से चलना है, डिमांड तो जायज़ है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की भी पूरी कोशिश है, नाकामी भी सर मानी जा रही है संबंधित, उसके लिए उसको बुलाया है, जो नोटिस उसको सर्व करने थे वो किए हैं, आज वो आएगा और आएगा जब हम सबके सामने बैठ के बात करें। सर वही सवाल है, चार लेबर वाले होते हैं, एक मशीनरी होती है, एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी नहीं होता, PWD वालों से कोई भी नहीं होता, अपनी मनमर्जी से काम करते हैं, फिर बारिश होती है, पुली गिर जाती है, एक्शन साहब सर 0% सीरियस नहीं लेते हैं। आज आता है वो, ठीक है, हम उससे सख्त से सख्त कार्रवाई जो भी हो पाएगा और उसको हम उसको अगर नहीं भी फिर भी उसके बाद वो काम करता है तो हम उसको ब्लैकलिस्ट डेफिनेटली करेंगे। थैंक यू।
देखिए आज जो जहाँ लोगों ने प्रोटेस्ट किया, ये इनकी जेन्युइन डिमांड है। आज हम मजबूर होकर रोड पे आए हैं, हम नहीं चाहते कि हम भी रोड पे आए और लोगों को जो जहाँ की यात्रा उसको परेशान करें। देखिए हमने कई बार एडमिनिस्ट्रेशन को जाके भी इसके बारे में बोला है, लेकिन आज तक किसी ने इस रोड की सुध नहीं ली है। और आज जहाँ प्रोटेस्ट किए, जब तक जहाँ कोई नहीं आएगा हमारी बात सुनने, तो ये हम रोड नहीं खोलेंगे यहाँ से, तो हम इसी रोड पे खड़े रहेंगे। जहाँ उनके साथ एक्शन PWD आए हैं, SHO साहब के साथ हमारी जो बात हुई है, ये बोल रहे हैं कि हम मौके पर चलते हैं तो छोटी गाड़ी के लिए वो रोड आज की ये बोल रहे हैं हम खोल लेते हैं, अगर उसको मतलब ठीक ठाक रोड अगर चलने के लायक हुआ तो। बाकी इनको इन्होंने हमें 2 दिन का टाइम दिया हुआ, जितने हमारे प्रदर्शनकारी हैं इनको इन्होंने बोला हुआ है कि 2 दिन के बाद आज ठेकेदार 1 बजे आ रहा है और उनके साथ हमारी बैठ के बात होगी। तो अगर 2 दिन के बाद मतलब ठेकेदार ने काम डे नाइट स्टार्ट नहीं किया तो हम दोबारा 2 दिन के बाद ये मतलब अपना धरना प्रदर्शन इसी जगह बंद कर देंगे।